देखा हरसपुरा के बालाचक में एक महिला की जान चली जाती है, जिसके बाद मायका पक्ष जो है ससुराल पर गंभीर आरोप लगाता है। डेड बॉडी पेगी ना कोई उपर कपड़ा तो ना कोई उपर जेल आए थी कम से कम इंदा चलो घर गए कोई गल नहीं घर गए तो जाओ तो कम से कम कोई कपड़ा उपर देने चाहिए डेड बॉडी का तो फ्रिज चलवाइए जाओ तो भाई सुनो तू किधर मैं अपना काम करा
बाजार आ मम्मी लिया डैडी लिया तो तुम्हें आ घर मैं केह गल हुई नहीं रेनू बीमार हुई गई है ते मैं रेनू चंगे भेली गई है सोमवार साढ़े को गई है एट टाइम ने बीमार होई जांदी है नहीं नहीं तू तो आ मम्मी भी लेना डैडी लेना तो तू आ ते बीमार मैं कुतो नहीं जी आ अस्पताल आ अस्पताल चलो ठीक है मैं कोई नहीं बंदा आता बीमार है बीमार होनी बाद मेरे दिमाग ने काम किया कि मम्मी भी बुला दे डैडी बुला दे ना तो गल ही आखिर में जिस नंबर पर फोन आया ना तो उन्हें भैया पूछा मैं भैया पूछा मैं भैया क्या गल हुई आखे वो रेनू तुम्हें क्या लगती मैं मेरी भैन लगती है आखे वो पूरी हुई है तो मैं चलो कोई नहीं फिर मैं मम्मी उन्हें नहीं सुनाया पर घर गया फिर मैं मम्मी उन्हें सुनाया तो लास्ट इतना पुजे इंदे घर कोई नहीं है इंदे घर तो इतने कोई नहीं है वह अंदर डेड बॉडी पे ना कोई उपर कपड़ा तो ना कोई वो फ्रिजे लाई दी कम से कम इंदा चलो घर गए कोई गल नहीं घर गए तुझ जाओ तो कम से कम कोई कपड़े उपर देने चाहिए डेड बॉडी का तुझे फ्रिज च लुवाइए जाओ तुम इन्नी गैस गैस होई आम दर्दी नहीं तुम्हें आई तुझी नूह ही तुम मारिया सुट्टी उड़ी तो ना तो उन्दे कोल रे असें फोन किया जी तो वह बीमार है असें मैं चलो नवा शहर पुजे अस उसी फोन किया मैं मसैया तुस किधरों नहीं तुस बाले चक आइयो तुस घर बेहे गल करने मैं घर बेहे गल करने तुस आखा अहें अस्पताल आओ रेनू बीमार है अस्पताल है ते आओ चलो अस अस्पताल आए अहें अस्पताल लिया अहें चलो हम वीरो ने सुनाई ओड़ेआ अहें सही पता अस्पताल आनी पता लग्या भाई उसी मारे रहने उन्हें भैया इयै गल की साढ़े ने भाई वो पूरे होइए अस्पताल आने चलो अहें उंदी चेहरा देखा फिर अहें पता लग्गा उसी मारे रहने वो अगे इये सी इन्हें समझाओ तो आमी बजा लो मी इतने रख लो इन्हें मी मारी उन्हें वो मी बड़ा मारदा मी तंग करदा पैसे इन्हें कम से कम ना जिन्ने बारी उन्हें आना ना किन्ने किन्ने पैसे दिते इन्हें हाँ नहीं अहें तुम वापस दे उड़गे आपे तुम पैसे वापस दे उड़गे कहने पैसे वापस नहीं दिते लख खंड रुपया हो गया तुम्हें कुड़िया ब्याह होया ना लख खंड रुपया हो गया इन्हें पांच हजार दस हजार पांच हजार दे अज देखे तुम्हें कल दो महीने बाद तुम्हें वापस देखे इन्हें कद कद लख खंड रुपया इन्हें दे छुटिया नहीं तो पैसे वापस आए तो फिर भी थोड़ी कुड़ी मारी उड़ी जे तुम्हें पैसे भोकी पैसे तुम्हें लैने पैसे होर देने कुड़ी किन्ने बारी घर आई है एक सूट आई दिखी मैं कुड़ी आए अस सूट लेइयै देने है कोई भी चंगा माड़ा कर लिया देने तो कोई कुड़ी पैसे देते चलो अहें पैसे कुड़ी पिछले एक सूट आई जाती है जो कोई इसी हजार खंड रुपया तो दिता उसी पंद्रह सौ रुपया तो इतने आना खुही लाना और शराबा पी लैनिया तो तू क्या करा तू कमा नहीं आई मिलना चाहिए इनको हमें इंसान मिलना रेनू के भाई ने कहा कि हमसे छोटी छोटी रकम कर कई सारे पैसे जो हैं ससुराल ने लिए और उसके बाद हमारी बेटी को भी मार दिया उसकी जान ले ली। आखिर क्या कसूर था मेरी बहन का, आखिर क्या कसूर था हमारी बेटी का। एक दुखद खबर थी जो आपके साथ साझा कर रहा था। आपने तमाम विजुअल देखा किस तरीके से एक परिवार जो है यही आरोप लगा रहा है कि उनकी बेटी की जान ली है ससुराल पक्ष ने। धीरे धीरे कर कई सारे पैसे जो है उनसे लिए जाते हैं जिसके बाद लुटाए भी नहीं जाते हैं। और रेनू यही कहती थी जब भी घर आती थी कि हम मुझे बचा लो मुझे मार देंगे। और आखिर वो दिन आ गया जब एक बाइक को फोन किया जाता है तो कहा जाता है कि आपकी बहन जो है हॉस्पिटल में है, आप अपनी मम्मी पापा को लेकर हॉस्पिटल में आओ। और जब भाई जो है हॉस्पिटल जाता है तो आगे देखता है रेनू की जान चली गई होती है। इसके बाद वहां पर भाई कहता है कि ससुराल पक्ष का कोई वहां नहीं मौजूद रहता है, रेनू का शव जो है वो हॉस्पिटल में पड़ा रहता है। और फिर ये गंभीर आरोप लगते हैं कि ससुराल पक्ष ने जानी की सास ससुर और पति ने मिलकर जो है रेनू की जान ले ली है। ये बड़ा सवाल उठता है अब किस प्रकार पुलिस इसकी जांच करेगी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो किया जा रहा है। और आपने देखा कि किस प्रकार जमकर हंगामा भी हुआ और हाथापाई भी वहां पर देखने को मिली और तमाम परिवार जो है रेनू के घर के मायका पक्ष जो है यही आरोप लगा रहा है कि ससुराल पक्ष ने ही जो है रेनू की जान ली और जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए और इस पूरी न्यूज का पता किया जाए और इस पूरे मामले का पता किया जाए कि किस प्रकार क्या कारण रहा कि रेनू देवी की जान चली गई। अरनपुरा के बालाचक में इसकी शादी हुई थी और वहां से एक दुखद खबर जो है वो सामने आती है कि एक बेटी की जान चली जाती है और मायका पक्ष जो है वो तीखे सवाल कर रहा है ससुराल पर और ससुराल से आरोप लगा रहा है ससुराल पर कि उन्होंने मिलकर जो है हमारी बेटी की जान ले ली है। और पुलिस से यही अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और कार्रवाई करने के बाद पता चले कि आखिर हमारी बेटी की जान किसने लिया। फिलहाल एक दुखद खबर थी। आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हम जान की जोड़ लिखें। देखते रहे परफेक्ट टाइमलाइन। मेरे कैमरा पर्सन अनमोल और मिसाइल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।